Salli ala nabiyyina Salli ala muhammadin Salli ala shafiyyina Salli ala muhammadin और जिन्नो बशर का विर्द है, अहले नजर का विर्द है। अरे जिन्नो बशर का विर्द है, अहले नजर का विर्द है। जिसका वजीफा हो गया सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों तो मेरे इस्लामी भैन भ्राओ, जरा तुसी बार बार कहने वापस दसो, जिन्हू अपने वश करन दा तरीका दसो, जिन्हू काबू करन दा तरीका दसो। तुहानू दोस्तों अगे भी मैं कई दफा दस चुकिया, लेकिन तुहानू अज वीडियो स्पैशल टाइटल तैयार कर लगा, जिहड़ा इहनू अपने वश करन दा तरीका तुहानू दसांगा। लेकिन दोस्तों उस तों पहले तुसी इस वीडियो में सबसक्राइब भी करो, लाइव करो, शेयर भी कराया करो, लाजमन करो, ठीक है, कराया करो। तो और तुम मैं दसिया है बच्चो, दोस्तों प्यारे हो, पढ़ाइया करन दा मकसद हैगा तुहाडे अंदर नूर पैदा होवे। जो नूर तुहाडे अंदर पैदा होगा, जिन्नात भी तुहाडे को डरनगे, हर चीज़ मखलूक जिहड़ी ना ताबिया होने के चक्कर पै जाती, जो बंदा जिक्र फिक्र च रहिंदा है। तो मैं इसलिए कहना दोस्तों, जिक्र करया करो हर वक्त, उठदिया बैठदिया पहले तो जिक्र करया करो। जिहड़ा बंदा उठदिया बैठदिया लेटदिया करवट लैंदिया जिक्र करता है, एक तो अल्लाह ताला उस बड़ा खुश है, अल्लाह ताला हर उसकी तमन्ना पूरी करता है, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों जो नूर पैदा हो जाता है ना, फिर तुम्हें दसिया नूर पैदा हो जाए तो फिर चैक करना भी तुम तरीका दसिया है। जो चैक करना हो जिहड़ी भी तुसीं सूरत मुजम्मल पढ़ते हो, नाद अली पढ़ते हो, कसीदा गौसिया पढ़ते हो, तुसी दुनिया का जोड़ा भी अमल करते जो वह देखो साढ़े अंदर नूर पैदा होया कि नहीं। असल मकसद का नूर पैदा करना होंगे, गुनाह जो माफ होने होंगे दर्जे बुलंद नूर ही अंदर पैदा होंगे। जब नूर पैदा अंदर हो जाता है वो तुम पहले मैं चैक करना तरीका दसना, फिर तुम मैं जिन्नात में अपने बस करने का तरीका भी दसना। तो दोस्तों कोई तुम चीज़ ले लो, तस्वीर ले लो, या कोई हार ले लो, जिस तरह मैं गुलाब का हार मेरे को है, देखो गुलाब का हार है, इनू तुम चैक करना से अपना सिर्फ इन इशारा करना है, इन इशारा करना है, देखो इन इशारा किया इस हिसाब ने, यह ढे अंदर जो नूर पैदा होना है तो इन्हें खुद ब खुद चलना शुरू हो जाता है। यह देखो चल रहा है, इन तुम इशारा करना है इस तरह, तो इन्हें रुक जाना है। देखो तुम इन जो इशारा करोगे, तुम कहो इशारा अगे पिछे से कर दोगे, इन्हें अगे पिछे होना शुरू हो जाना। दोस्तों यह सिर्फ तुम मैं नूर चैक करने का तरीका दस रहा, जिन्हें नूर चैक करना अपने अंदर बनया कि नहीं बनया वो इस तरह चैक कर सकता है। जिथे इशारा करोगे उत्थे रुक जाएगा। यह है जी जिक्र फिक्र करने वाले का नूर पैदा हो जाए जो अंदर, तो फिर बंदा इशारे ना काम होता वह, ठीक है। लो फिर मेरे दोस्तों मेरे इस्लामी भैरों तुम मैं दसन लगा, जिन्हों अपने बस करन दा काबू करन दा किस तरह करना है। तुहाडे कोल कोई आ जाता जिन्ना मरीज, पहले नंबर तुम यदा तरीका दस, इन पढ़ो इन दिन पढ़ो, उस तो बाद फिर तुम इंशाल्लाह ताला चाहे तुम अमल हो जाओ, तुम फिर अपने बस कर सकते हो। जिन तुम पढ़ने सूरत मुजम्मल दी पहलियां पांच आयतां, सूरत मुजम्मल दी पांच आयतां पहले पढ़नियां ने, वो पढ़ने तुम हर रोज़ एक टाइम रख के इशा तो बाद रख लो, फजर तो बाद रख लो, 1100 दफा पढ़ना है, इन पढ़ना 11 दिन तिकर पढ़नी है। सूरत मुजम्मल दी पहलियां पांच आयतां पढ़निया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल मुज़म्मिल कुम लैला इल्ला क़लीलन निस्व व क़िस्मन क़लीला वज़िद अलैहि वरत्तिल क़ुरआन तरतीला इन्ना सनुल्की अलैका क़ौलन सकीला। मेरे दोस्तों पांच आयतां पहलियां पढ़निया ने, पढ़ के उस तो बाद जो 11 दिन पढ़ लो, फिर तुम हर रोज़ विरद इनू 41 दफ़ा रखनी, हर रोज़ 41 दफ़ा पढ़नी कहनी पांच आयतां, ठीक है। पढ़ के उस तो बाद तुसी एक पानी ला के रख लेना, करना एक गिलास पानी रख के वो दम कर लेना, करना कोई मरीज आ जाए जिन वाला कोई आ जाए वो सिर के उत्ते हाथ रखना है, और तुसी शुरू करनी है
पढ़ना शुरू करना है या युवल मुजम्मिल कौमिन ला इला इल्ला क़लीला नसूअम कुस्मिन क़लीला औज़ अलैह वरत तलील कुरान तरतीला इन्ना सुनुन की अलेका कौलुन सकीला। ये तो पढ़ोगे दोस्तों सुबह जिन्ना हाजिर हो जाएगा उस सुबह तुम ना हम कलाम होकर जो कोई गलबात करनी पुछो जो चला जाता नहीं तो फिर उन्होंने दफा ही करो नहीं अपने को रखना तो अपने को भी रख सकते जो दोस्त है जिन्होंने तुम अगर तन बस अपने बस करने का तरीका दसिया है लेकिन इनू हर रोज़ बच्चों पढ़ना बाद 41 दफा रखना अपने इनू पढ़ाई दे आयतान सूरतों ठीक है पांच आयत जो सूरत मुजम्मल दी लो फिर दोस्तों इस वीडियो में सबसक्राइब भी करो लाइक करो शेयर करो हूँ मैं तुम दसता तरीकाकार जिन्होंने अपने बस कर ठीक है ना इनू पढ़ोगे तो फिर ही होना जे सारा काम पढ़न का जे गली बात कुछ नहीं लगता तुम मैं दसदा सुबह तो लाकर शाम तक जिन्नी मर्जी गल करी जाओ तो कुछ नहीं लगना अगर तुम यह सूरत पढ़ोगे कुरान पढ़ोगे जिक्र करोगे तो लगेगा दीन दुनिया तो ताकत लगेगी दीन दुनिया तो फायदा होएगा। एक दफा तुम अल्लाह कहते हो ढे 10 गुनाह माफ होंगे ने 10 ढे दर्जे बुलंद होंगे ने इस तो बाद चाहिए दसो जरा 10 नेकियां ना लिखिया जाए तुम दसदा इसलिए दोस्तों उठते हैं बैठते हैं अल्लाह 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 यह जिक्र करा करो तो तुम तरीका दस जिन्होंने अपने बस करने का तरीका कर लो फिर अपने पढ़ाई करो फिर बाबे आप इंशाल्लाह तुम दुआवां दोगे लो अस्सलामु अलैकुम।